चाइना क्या चीज है? इंडिया और चाइना इस समय एशिया की वन ऑफ द टू बिगेस्ट सुपर पावर्स हैं। एंड वी नो कि हमारे आसपास के बाकी सारे नेबर्स जो हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईच वन ऑफ देम इज गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस, इफ आई माइट से सो। तो घूम फिर के बात आती है चाइना और इंडिया पे, और आज की वीडियो में मैं यही कहानी, इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, ये जो चाइना है ये चाइना कैसे बन गया, इसकी शुरुआत आज की वीडियो से करेंगे। वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज इंडियन इको सीरीज फॉर क्लास 12th, और ये ऑफ कोर्स ये चीज उन लोगों को भी हेल्प कर सकती है जो लोग इंडियन इको इस समय किसी भी स्टेज पर पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो 12th में इंडियन इको में लास्ट यूनिट है कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, उसमें हम तीन कंट्रीज को कवर कर रहे हैं, विच इज इंडिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान। हम इन तीनों को कवर करेंगे। पूरा चैप्टर कुछ टॉपिक्स पे डिवाइडेड है और उन टॉपिक्स में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले बड़े टॉपिक की, विच इज इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब जनरल ओवरव्यू इन कंट्रीज का, आजादी से लेकर, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक जो भी कहानी रही है। चाइना इज प्रोग्रेसिंग सो वेल, इफ इंडिया इज यू नो मूविंग एट अ पर्टिकुलर पेस, उसके पीछे क्या कारण रहा है इकोनॉमिकली, वी विल बी डेल्विंग इनटू इट। सो दिस इज पार्ट वन टू द चैप्टर। आप सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। इन द कमिंग वीक्स आई विल डू जीडीपी वाला, जीडीपी के बेसिस पे क्या है इन कंट्रीज का कंपेरिजन, डेमोग्राफिक्स में कैसा सीन है, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। अब मैं सबसे पहले चाइना की बात करूंगी। चाइना, क्या तुम्हें पता है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही थे, अलग तो थे ही नहीं। तो इंडिया पाकिस्तान 1947 में आजादी मिली, और चाइना भी इट वाज आल्सो अ कॉलोनी एंड इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1949। ये तो सबसे पहला काम, चाइना को कब इंडिपेंडेंस मिली, 1949 में। ओके, अब चाइना ने ऐसा क्या किया कि चाइना चाइना बन गई? तो सबसे पहला काम जो चाइना ने किया, दैट वाज दैट दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ स्टेटिज्म। कुछ कुछ ना इंडिया की तरह ही चले ये लोग भी, इन्होंने शुरुआत में स्टेटिज्म अडॉप्ट किया। स्टेटिज्म क्या होता है? एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट का, और वो कंट्रोल भी करते हैं, चलाते भी हैं, सरकारी है सब कुछ बेसिकली। तो हम इन्होंने पॉलिसी अपनाई स्टेटिज्म की। अब स्टेटिज्म जब इन्होंने अपनाया, उसके बाद 1949 के बाद 1956 में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर देम, 1956 में इनका आया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। बहुत मजेदार कैंपेन था ये, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1956 में। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने क्या किया, इंडस्ट्रीज में ये बोला गया कि जाओ भाई अपने बैकयार्ड में भी जाके कंपनियां खोलो, कोई परमिशन चाहिए, मशीनें लगाने की परमिशन चाहिए, जगह की परमिशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपना जाओ और मजे से इंडस्ट्री खोल लो। सो आई कुड हैव मेड अ इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग पापड़ एंड अचार राइट इन माय गार्डन, आई कुड हैव डन दैट इन चाइना ऑफ 1956, क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने ये अलाउ कर दिया था, राइट। सेकेंड चीज जो इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए की, एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने बनाया कम्यून सिस्टम। कम्यून वर्ड कम्स फ्रॉम कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब साथ मिलकर फार्मिंग करेंगे, हम तुम साथ साथ, वी विल डू दिस टुगेदर। ओके, उससे फायदा क्या है, तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, हम लोग 200 जने हैं, वी हैव ऑल गुड अमाउंट ऑफ मनी, वी पुट इन आवर मनी, पुट इन आवर रिसोर्सेज, वी पूल देम, इकट्ठे लैंड खरीदेंगे, इकट्ठे फार्मिंग करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है, रिसोर्सेज पूल हो रहे हैं, और जो फायदा है वो भी हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो कम्यून सिस्टम को एग्रीकल्चर में प्रपोर्ट किया गया, और सेल्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इजी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडस्ट्रीज में प्रमोट किया गया इन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ 1956 ऑफ चाइना। ओके ना, लेकिन जैसा कि आमतौर पर हर बड़े कैंपेन के साथ होता है, दिस कैंपेन फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज। पहला इशू तो यही हो गया कि रशिया से पंगा हो गया। रशिया ने ना चाइना का दोस्त हुआ करता था रशिया, बिकॉज दे हैड अ सिमिलर आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। सो रशिया हैड डिसाइडेड टू सपोर्ट चाइना इन इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। मतलब चाइना ने बोला कि भैया अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज खोलो, तो रशिया ने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम अपने ट्रेन्ड प्रोफेशनल बंदे भेजेंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो रशिया का बहुत सपोर्ट था चाइना को, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट में अराउंड 30 मिलियन, नो नॉट इन द कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पहला प्रॉब्लम जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को हुआ वो ये कि रशिया ने कहा आई विल विदड्रॉ माय प्रोफेशनल पीपल फ्रॉम योर कंट्री, विच मींस रशिया विदड्रू ऑल इट्स ट्रेन्ड प्रोफेशनल पीपल फ्रॉम द वर्क फोर्स ऑफ चाइना।
अब चाइना तो सडनली झटके में आ गया ना यार, कहां वो बोल रहे थे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और कहां रशिया उनकी हेल्प कर रहा था, वो खत्म हो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो इस कैंपेन को फेस करना पड़ा वो था एक सीवियर ड्रॉट हुआ। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने की वजह से 30 मिलियन पीपल डाइड इन दैट ड्रॉट। सो GLF वॉज अ ग्रेट कैंपेन, लेकिन उसको दो बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी, एक रशिया का विड्रॉल, एक दूसरा जैसा कि मैंने कहा 30 मिलियन पीपल वर किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कह रही हूं ड्रॉट में। अब जब ये पंगे हुए तो इन पंगों से निकलने के लिए एक नई पॉलिसी आई अराउंड 1965, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय माओ, जो उनका हेड था, द ग्रेट कल्चरल प्रोलेटेरियन मूवमेंट और रेवोल्यूशन, द ग्रेट कल्चरल प्रोलेटेरियन मूवमेंट और रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय माओ इन 1965। इसने क्या किया, इसने बोला पहला काम, हमारे सारे चाइनीज ऑल प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड पीपल स्टूडेंट्स आर सपोज टू मैंडेटरली वर्क इन कंट्री साइड, यानी आप अगर स्टूडेंट है, आप अगर कोई प्रोफेशनल है, तो सरकार आपको मैंडेट कर रही है कि आप जाके विलेजेस में कुछ एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए काम करेंगे। तो यानी जो प्रॉब्लम था कि रशिया ने अपने प्रोफेशनल लोग विड्रॉ कर लिए, वो चाइना ने अपने ही वर्क फोर्स से सेटल करने की कोशिश की, दैट वॉज वन। उसके अलावा वट दे डिड वॉज, इसके बाद 1965 के बाद आई 1978 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो चाइना में ना सबसे पहले आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991। गाइस लुक एट दिस, यू नो लुक एट द कंपैरिजन, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। तो चलो कर ही लेते हैं यार, हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन हम लोगों ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए 1991 में, यानी बीच के कई साल हम सोते रहे। नाइसली वी वर स्लीपिंग, although we had a lot of issues, I will be discussing those, LPG के chapter में भी हमने discuss किया है, बहुत पंगे थे, लेकिन हम सो रहे थे, और हम सो सो के 91 में जा गए, but China was very smart from day one, 1978, they introduced their economic reforms, अब economic reforms क्या होते हैं, economy में बदलाव लाना, changes लाना, तो चलो discuss करते हैं, क्या क्या changes लाए, सबसे पहले, agriculture में जो commune system था, उसको हटाया, कम्युन सिस्टम होता है कलेक्टिविज्म, साथ में काम करेंगे, जहां साथ में काम करने के फायदे हैं, देर आर इश्यूज ऑल्सो बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस, प्रॉफिटेयरिंग में दिक्कत होती है, पैसे बांटने में दिक्कत होती है, तो दे डिसाइडेड कि नहीं, इंडिविजुअल प्लॉट काटो और फैमिलीज को ओन करने दो और उनको अपना अपना चलाने दो, दैट वॉज वन चेंज दैट दे ब्रॉट। सेकेंड थिंग, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस विच इज सेम एज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया, सरकारी गवर्नमेंट कंपनीज को इंडिया में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं, चाइना में उनको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बोलते थे। तो मच लाइक इंडिया, व्हाट दे डिड वाज दे ब्रॉट इन कंपटीशन फ्रॉम देम। देखो कंपटीशन ना एक ऐसी बला है जो हमारे में बेस्ट उजागर कर सकती है इफ वी यूज इट इन अ राइट मैनर। तो इन्होंने भी यही किया कि बहुत हो गया तुम्हारा, हम है, बाकी सब पानी कम है, नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर यू। तो कॉम्पिटिशन लाया गया, इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। नाउ समबडी वाज आस्किंग मी फ्यू डेज बैक, व्हाट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? So a special economic zone is an area which is wow in terms of trade and commerce. Infrastructure badhiya banta hai, ekdam state of art, roads swanky hai, communication towers hai, internet issue nahi hai, electricity ka problem nahi hai. Matlab trade karne ke liye, business karne ke liye aapko jo kuch chahiye us area mein badhiya se hai. That's a special economic zone. India mein bhi hai aur India mein bhi inke hone ka yahi karan hai. That we want to attract FDI, foreign direct investment. हम चाहते हैं कि बाहर के लोग हमारे देश में invest करें, वैसे ही China भी चाहता था कि बाहर के लोग उनकी country में invest करें, तो उन्होंने special economic zones बनाए और साथ साथ एक बड़ी मजेदार policy चलाई, which is called hire and fire policy. You know what is hire and fire policy? देखो India में ना, अगर आपको किसी को नौकरी से निकालना है तो notice देना पड़ता है, एक महीने का मिनिमम, कई कंपनीज में 3 महीने का भी है। द आइडिया इज यार उस एक महीने में वो बंदा कुछ और ढूंढ लेगा, है ना, लेकिन देखो जो इंप्लॉयर है वो तो यही चाहेगा कि मुझे नोटिस वाला पंगा करना ही ना पड़े, आज मेरा मन करे तो मैं इसको निकाल दूं, वही काम तो कर नहीं रहा। चाइना ने FDI अट्रैक्ट करने के लिए, बाहर की कंपनीज को अपने देश में बुलाने के लिए दो काम किए, एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे बनाए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो देख के भी कोई यू नो वाओ हो जाए, दूसरा हायर एंड फायर पॉलिसी चलाई। मतलब चाइना ने ये बाहर की कंपनी को बोला, देखो भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहां का कोई इंप्लॉई लॉ तुम्हें नहीं छुएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा ठीक काम नहीं करता, नोटिस मत दो, बस निकाल दो, हायर एंड फायर, व्हाट इज फायर, निकाल दो,
जबकि बाकी कंट्रीज में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, इंप्लॉई लॉज बहुत स्ट्रांग है, आप ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते, आप ऐसे किसी को रख नहीं सकते, और आपको बहुत सारे लीगलिटीज फॉलो करनी होती है। चाइना ने वो भी कर दिया। मतलब बाहर वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर से हायर एंड फायर, कोई लॉ का पंगा ही नहीं, इसीलिए इतनी एफडीआई सडनली चाइना में आने लगी। ओके, इसके अलावा व्हाट दे अडॉप्टेड वाज ड्यूअल प्राइसिंग। ड्यूअल प्राइसिंग मैं आपको अभी डिटेल में समझाती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहना। हाँ, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का स्टेप नंबर वन, कम्यून सिस्टम हटाना, इंडिविजुअल प्लॉट्स को लेकर आना। स्टेप नंबर टू, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ कंपटीशन लेकर आना, बाहर की इंडस्ट्रीज को, फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करना, सो दैट यू नो द इन हाउस कंपनीज गेट अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड दे वर्क बेटर। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, ताकि बाहर के लोग यहाँ चाइना में आके इन्वेस्ट करें, उनको हायर एंड फायर पॉलिसी देना। एंड फाइनली दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी कॉल्ड ड्यूअल प्राइसिंग। नाउ व्हाट इज ड्यूअल प्राइसिंग, मतलब दो तरीके से प्राइस होंगे। दो तरीके से प्राइस क्या बोले उन्होंने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और फार्मर्स थे, अभी तक हम बात ही इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स ही कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो फार्मर्स थे, उनको बोला गया कि आधा कुछ इनपुट और आउटपुट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट क्वांटिटीज, आप मार्केट, आप गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई प्राइसेस पर ही बेचेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला कि 30 किलो अनाज और 30 लाख यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री जो भी है, ये इस प्राइस पे गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, ये प्राइस, ये फिक्स्ड क्वांटिटी गवर्नमेंट की से सेटअप की गई फिक्स्ड प्राइस पे बेचे जाएंगे, और जो बाकी बचा है वो आप मार्केट में ले जाकर मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं। सो ड्यूअल प्राइसिंग हाउ, फिक्स्ड क्वांटिटी फिक्स्ड प्राइस, पहले आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी फिक्स्ड प्राइस पे, वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है प्राइस, उस पर गवर्नमेंट को बेचेंगे, या मार्केट में भी लोगों को भी बेच सकते हैं, और जो रिमेनिंग है वो आप मार्केट प्राइस पे खरीद बेच सकते हैं। सो दे फॉलोड दिस पॉलिसी एज वेल, एंड ओवर द इयर्स व्हाट हैपेंड प्रोडक्शन, बिकॉज दे हैड अडॉप्टेड दिस पॉलिसी ऑफ मास इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि यार अपने गार्डन में इंडस्ट्री खोल लो, इसकी वजह से मास इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन चाइनीज इकोनॉमी ग्रू बिग टाइम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो, तो ये रहा चाइना का इकोनॉमिक बैकग्राउंड। नेक्स्ट जो कहानी है वो है पाकिस्तान की। सो पाकिस्तान एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द सेम ईयर 1947, राइट, एंड वी आर सिमिलर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारी बहुत सिमिलैरिटीज है, राइट, फ्रॉम लैंग्वेज टू कल्चर टू इकोनॉमिक्स एज वेल। तो हमारी शुरुआत भी काफी कुछ एक जैसी हुई। सो 1947 में इंडिया ऑल्सो बिकेम अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और इस वाले, जब मैं ये पाकिस्तान का करूंगी तो मैं साथ साथ इंडिया का भी बोलती जाऊंगी। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को इंडिया के सेलियंट फीचर्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो इट फ्रॉम द एलपीजी चैप्टर, बट फिर भी हम सेम सेम पॉइंट्स पे कंपैरिजन करते चलेंगे इंडिया और पाकिस्तान का। ओके, सो स्टेप नंबर वन, इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सो डिड पाकिस्तान। पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमी बना। व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे स्टेट का और प्राइवेट मेरिटोरियस गवर्नमेंट, मेरिट बेस्ड चीजों का भी इंक्लूजन है। तो मतलब सरकार वेलफेयर ओरिएंटेशन भी है और कैपिटलिज्म का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। कैपिटलिज्म मेरिट को देखता है, डिमांड को देखता है, प्रॉफिट को देखता है। सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड वेलफेयर, लार्जर गुड ऑफ कम्युनिटी को देखता है। हम दोनों कंट्रीज का थ्रेड एक जैसा है। सो वी हैड सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज, प्रॉब्लम्स एक जैसी थी, पावर्टी के बहुत इशू थे। तो हम अंधाधुंध कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बन सकते थे, जो सिर्फ डिमांड दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, पैसा था ही नहीं, कहां से लगाते। तो पाकिस्तान ऑल्सो चोज टू बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, सो डिड इंडिया, वी वर बोथ मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट वाज अ बिगिनिंग पॉइंट। 1950s और 1960s में अगेन वी वर क्वाइट सिमिलर इन सर्टन थिंग्स। पाकिस्तान चोज पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सो डिड इंडिया। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, स्वदेशी पे बहुत ज्यादा फोकस था। जब मैं एलपीजी का चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट किया था कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग था, दैट वी हैड राइट नाउ कम आउट ऑफ कॉलोनियल क्लचेस। अभी तो निकले थे, तो मतलब हम स्लेवरी के उससे अभी निकले थे, जीके जंजाल से, तो वापस नहीं फंसना था। तो सब कुछ अपना बनाएंगे, सब कुछ अपना बनाएंगे, जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उसको भी कोशिश करेंगे अपने देश में बनाने की। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई गई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। सेम वाज द केस विद पाकिस्तान इन 1950s एंड 1960s, दे आल्सो फोकस्ड क्वाइट अ लॉट ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हालांकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अपने यहां एटलीस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी फेल हो गई। क्यों फेल हुई? क्योंकि इफ यू आर गुड एट वन थिंग, यू कैन नॉट बी गुड एट एवरीथिंग ना।
अगर हमारा देश भगवान की दया से चावल और आटा बनाने में बढ़िया है, वी आर गुड एट राइस एंड वीट, इसका ये मतलब तो नहीं है कि दुनिया का हर अनाज अपने यहाँ उगेगा या वी आर सूटेड फॉर इट। तो हर चीज अपने देश में बनाने की सोच बहुत अच्छी है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो हम लोग तो फेल हो गए थे। आई थिंक पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इसीलिए उसके बाद अराउंड द सेम टाइम 1960s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, बिकॉज इस समय पर ना इंडिया कॉन्टेक्स्ट में वेरी स्ट्रिक्टली इंडिया वॉज फेसिंग अ ड्रॉट पीरियड। एक टाइम था इंडिया में जहां पे सूखा पड़ रहा था, भुखमरी थी। मतलब ये इतनी बड़ी आयरनी है, इंडिया इतना फर्टाइल है, इंडिया में इतना एग्रीकल्चरल लैंड है, हम लोग इतने रिच हैं भगवान की दया से, बट प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी, कोई सोच भी नहीं सकता हमारे देश में उस समय भुखमरी फैल गई। यू नो वी गाइज वर लाइक हंग्री फॉर फूड, स्टार्विंग। तो हम लोगों को और हमको इंडिया को 1965 में सैंक्शंस भी पड़ गए यूएसए से, विच वॉज ऑल अबाउट कि अगर वी वेंट टू वॉर विद पाकिस्तान तो हमें खाना नहीं दिया जाएगा, जो हमें यूएस से हम इंपोर्ट करते थे खाना उन दिनों में, तो वो खाना हमको नहीं मिलेगा यूएस से इफ वी हैपन टू गो टू अ वॉर विद पाकिस्तान। एनीवेज, ये इंडिया का ट्रिगर था फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आई। सो लाइक आई हैव बीन सेइंग, हमारा थ्रेड काफी सेम रहा है। अराउंड 1960s में इंडिया वेंट थ्रू अ सैंक्शन पीरियड इन 1965। पोस्ट दैट इंडिया ट्रिगर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाया गया। पाकिस्तान में भी यही टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई गई। तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फायदा हुआ एंड द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वेंट अप टू अ हाई। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली ग्रीन रेवोल्यूशन केम इन टर्म्स ऑफ वीट एंड राइस, एंड वीट एंड राइस इंडिया के इतने बढ़ गए अगले 20 सालों में कि हम लोगों ने उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भुखमरी तो सेटल हो ही गई। ओके, आगे चलते हैं। अब 1970s में, दिस इज वेरी इंडिविजुअल पाकिस्तान पॉइंट, ये इंडिया में नहीं हुआ। 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान ने नेशनलाइज किया। लेट मी एक्सप्लेन, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? मशीनों की इंडस्ट्री, बड़े बड़े औजार इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री। इंडिया तो इस समय पर इनको इंपोर्ट ही करता था और इंपोर्ट करने पर भी बहुत भयंकर इंपोर्ट टैक्स लगाता था। तो ये जो टाइम था 1970s का, इंडस्ट्रीज के लिए कोई बहुत खासा अच्छा नहीं था इंडिया में, बिकॉज उस समय पे कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, कोटा रिस्ट्रिक्शंस भी थी। कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, की इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी भी हाई थी, मतलब इंपोर्ट करते हुए जो सरकार को टैक्स देना है वो भी बहुत ज्यादा हाई था। तो इस चलते इस समय पे एटलीस्ट 1970s के टाइम में इंडिया में बहुत कंड्यूसिव हालात नहीं थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। हाउएवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं उनको नेशनलाइज कर दिया, विच मीन्स स्टेट सब्जेक्ट बना दिया, सरकारी कंपनीज बना दी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की। इंडिया ने 1950 ऑनवर्ड्स बहुत सारी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की कंपनीज को पीएसयू ही बनाया था। आई एम रिपीटिंग, 1950 ऑनवर्ड्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब जो देश को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, लाइक लोकोमोटिव्स, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी इंजन्स, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज ही बनी। इंडिया ने इन सबको बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सरकारी कंपनी के फॉर्म में ही, पीएसयू के फॉर्म में ही। और पाकिस्तान में 1970s में इनको सरकारी बनाया, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया। ओके, आगे चलते हैं। 1980s में पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को लाया गया इन द इकोनॉमिक थ्रेड। सेम प्रॉब्लम्स, यू नो, जैसे इंडिया ने भी रियलाइज किया कि यार सब कुछ गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, मतलब एक टाइम आया कि इंडिया में ब्रेड भी गवर्नमेंट बना रही है, चप्पल भी गवर्नमेंट बना रही है, जूते भी गवर्नमेंट बना रही है। भाई मतलब अगर जूते चप्पल ब्रेड भी गवर्नमेंट बनाएगी तो हम तुम जैसा नॉर्मल इंसान क्या बनाएगा? हम स्टील तो बनाने से रहे और हम क्या कहते हैवी इंजन तो बनाने से रहे, तो भाई जूते चप्पल कपड़े तो प्राइवेट के हाथ में होना चाहिए। इंडिया में ये समय ये सब कुछ चल रहा था अभी, लेकिन पाकिस्तान ने 1980s में ही प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया। ये समझा दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, समथिंग हैज टू गो टू प्राइवेट सेक्टर आल्सो। और इसके चलते डी नेशनलाइजेशन ड्राइव शुरू की। व्हाट इज डी नेशनलाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन, सरकारी सारी कुछ कुछ सरकारी कंपनीज को प्राइवेट हाथों में देना। प्राइवेटाइजेशन ऑलवेज ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी। कई लोग बोलते हैं कि यार प्राइवेट कर देते हैं लोग तो ये तो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो चाहिए ना, प्रॉफिट के दम पर ही कंपनी चलेगी और उसी के दम पर इकोनॉमी चलेगी। माना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए,
बट प्रॉफिट टेकिंग बुरी नहीं है, किसी के बुरे के साथ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बट अपने आप में प्रॉफिट कमाना कोई बुरा काम नहीं है. सो डीनेशनलाइजेशन हैपेंड, प्राइवेटाइजेशन हैपेंड, और यही समय है 1980s का ही वो टाइम है जब पाकिस्तान में, अगेन अ वेरी सेलियंट फीचर ऑफ पाकिस्तान नॉट ऑफ इंडिया, रेमिटेंसेस फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज स्टार्टेड. रेमिटेंसेस क्या होता है, बाहर लोग जाते हैं, वहां काम करते हैं और वहां से पैसा, जनरली फॉरेन करेंसी, अपने देश भेजते हैं. तो पाकिस्तान के कई लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर ईरान, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सब इधर जाते थे काम करने और खूब सारी फॉरेन करेंसी. इसी समय में देखो ये पॉइंट हमारी बुक में आया है, इसका मतलब है बहुत तगड़ा पोर्शन रेमिटेंसेस का इस समय पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से पाकिस्तान में आता था. 1988 में पाकिस्तान को लगा दैट द एनवायरमेंट इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसीलिए 1988 में पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए जिसमें फर्दर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया गया. इंडिया ऑन द अदर हैंड 1980s में PSUs की प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया में, PSUs डूब गए थे इंडिया में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कई सारे तो वो फ्लरिशिंग जो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और कई सारे तो डेट ट्रैप में फंस गए थे, मतलब अपना भी काम नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से करप्शन बहुत रैम्पेंट थी, तो इस चक्कर में काम होते नहीं थे, मतलब एक फोन लगने को 4 साल लग जाते थे, एक कोई स्कूटर लाने में 10 साल लग जाते थे, ये सब कुछ होने लग रहा था. ये सब चलते एंड ओवरऑल इंडिया इकोनॉमिकली बहुत बैड सिचुएशन में आ गया था, हम लोग अंडर डेट थे, हमारे पास सिर्फ 10 दिन का इम्पोर्ट बिल देने के पैसे थे. तो इन सब हालातों में, इन डूबती हुई नैया में 1991 में इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, विच इज फेमसली नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी. इसकी डिटेलिंग आप लोग LPG 6 चैप्टर में कर चुके हैं कि क्या क्या था, बस वही कहानी. सो जहां चाइना ने 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, पाकिस्तान ने 1988 में, हम लोगों ने 1991 में लाए. ठीक है, तो इसके साथ चैप्टर का पहला कंपैरिजन का पहला ब्लॉक खत्म होता है. ये पूरा चैप्टर कंपैरेटिव है, हम अलग अलग टॉपिक्स पे तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे. ये टॉपिक आज मैंने खत्म किया इकोनॉमिक बैकग्राउंड का. नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू बी डूइंग डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, यानी कहां है इंडिया, कहां है पाकिस्तान, कहां है चाइना, ऑन जेंडर रेशियो, ऑन एजुकेशन, ऑन सैनिटेशन, ऑन इक्वालिटी, इन सम पॉइंट्स पे किधर है तीनों कंट्रीज, वी विल बी डूइंग दैट. डू स्टे ट्यून्ड इन, डोंट फॉरगेट टू, आई नो आई हैव कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफी टाइम बाद वापस आई हूँ, बट एनीवेज आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिएगा. अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.